हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो हरियाणा पुलिस और सब इंस्पेक्टर की स्टडी करनी शुरू करेंगे और बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्टिंग करूंगा और हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग सेपरेट सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे और कंटेंट भी आपको बहुत बेटर प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा पुलिस का जो सिलेबस है और सब इंस्पेक्टर का जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मेंटल जो है एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। मेरे कुछ प्यारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। और आज हम स्टडी करेंगे बेसिक न्यूमरेसी, और बेसिक जो न्यूमरेसी होती है हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो इसके अंदर आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो आज हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर ये बेसिक न्यूमरेसी की हम स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड, आपको 30 तक के स्केयर तो बिल्कुल उंगलियों के ऊपर होने चाहिए कि 11 स्केयर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का जो 14 का स्केयर कितना आ जाएगा 196, 15 का स्केयर 225। तो इस तरह से लेके आपको 30 तक स्केयर तो आपकी टिप्स के ऊपर होने चाहिए। स्केयर और क्यूब जो क्यूब है वो भी आपको कम से कम 20 तक क्यूब तो याद होने चाहिए। इससे आपकी ना कैलकुलेशन के अंदर आपको आगे काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव को एग्जाम दोगे तो उसमें जो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कितने कम से कम समय में, सारा खेल होता है टाइम का, आप एग्जाम के अंदर टाइम कैसे मैनेजमेंट करके चलते हो। अगर आप एक परफेक्ट वे से अगर पेपर को सोल्व करते हो, स्मार्ट वर्किंग के साथ काम कर सकते हो, अगर आप दूसरों के कंपेयर जल्दी कैलकुलेशन करके अगर आखिरी में 6-7 मिनट या 5 मिनट भी बचा लेते हो, ओवरऑल हर एक क्वेश्चन के अंदर 20-20 सेकंड आपने बचा ली मैथ के अंदर अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा के, तो वो 5 मिनट रामबाण का काम करेंगी। उनसे आप 2-3 क्वेश्चन ज्यादा करोगे, 2-3 क्वेश्चन भी अगर आपने ज्यादा कर दिए, 3-2 नंबर, 6 नंबर आपका रैंक काफी ऊपर ला सकती है। इसलिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मैथ के अंदर। स्मार्ट वर्किंग कितने फास्टली आप करते हो, तो आज मैं वही ट्रिक यहां पर सिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम लेके चलेंगे मल्टीप्लीकेशन के रूल। जो मल्टीप्लीकेशन की क्या ट्रिक होती है, आप अपनी कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई फास्टली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम एक बेसिक सी स्टडी करेंगे, हमें यहां पर कोई भी आपको फॉर्मूले या रटने की बात नहीं करूंगा। देखिए कभी भी, क्योंकि एग्जाम के अंदर वो हमेशा ऐसी कैलकुलेशन ही पूछेगा जिसकी कोई ना कोई शॉर्टकट ट्रिक होगी, यानी सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, या फिर आप ऐसी थोड़ी सी अपनी मेंटलिटी जो एबिलिटी इस तरह से आप यूज करो कि उसको जल्दी कैलकुलेट कर सके। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन। अगर 5 के साथ आपने कभी भी गुणा करानी हो, किसी भी नंबर को 5 के साथ गुणा करानी हो, जैसे मैं एक नंबर लेके चलता हूँ, 5 के आपने मल्टीप्लाई करानी 2 के साथ, ये तो बहुत आसान थी कि सर ये भी कोई कैलकुलेशन हुई। अगर मैं आपको कह देता हूँ भाई 55 की अगर आपने 5 से गुणा करानी है, तो कई स्टूडेंट इसमें टाइम ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, अगर कभी भी आपने यहां 55 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 65 हो सकता है, 66 हो सकता है, 78 हो सकता है, 77 हो सकता है, 160 हो सकता है, 168 हो सकता है, कोई भी नंबर एक्स वाई जेड 55 की जगह हो सकता है। जब भी आपने 5 से मल्टीप्लाई करानी हो तो हमेशा एक काम करना, उस नंबर को 10/2 से मल्टीप्लाई करा देना। ये क्यों करना है, देखिए आप 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी। अगर आप 5 सेकंड भी इस तरह से बचाते हो ना, तो अगर एग्जाम के अंदर जो फाइनल, जहां तक आपका जो फाइनल खत्म होता है, तब तक अगर आप 5 मिनट भी इसी तरह से सेविंग करोगे तो बहुत बढ़िया आपकी हेल्प करेंगी। आपने क्या करना है, 10/2 क्या होता है, 5 की इक्वल, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने ना 78 को 5 से गुणा करानी थी, इसमें देखिए आप माने चलो आपने 10 सेकंड ले ली, एक मैं आपको कह रहा हूं कि 78 को आप 10/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि रिजल्ट तो वही आएगा, 10/2 क्या होता है 5 होता है, लेकिन मैं ये जो नीचे वाली जो कैलकुलेशन करूंगा ये करनी ऊपर वाली कंपेयर आसान हो जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना 20-25 क्वेश्चन की इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, तो आपके दिमाग के अंदर ये टेक्निक फिट हो जाएगी। कभी भी किसी भी नंबर को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, उसकी बजाय आप 10/2 से आपने क्या करना है, जस्ट 78 का आगे 10 लगा दूंगा और 2 से डिवाइड करा दूं, यानी 780 का हाफ कर दे, वही आंसर आ जाए। 780 का हाफ कितना हो जाएगा, 3 और 9 0, ये इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कितना फास्ट मैंने कैलकुलेशन कर ली। अगर मैं 78 गुणा 5 करता है, यानी 390 जो मैंने इस टेक्निक से निकाला ना, उसकी कंपेयर मैंने 4-5 सेकंड जरूर बचा ली हैं, और ये 5-5 सेकंड करके आपके जो है काफी अच्छी जो है आपको लीड मिलेगी आखिरी में, समझे।
तो हमारा पहला रूल क्या बन गया, कभी भी अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई करानी हो किसी भी नंबर को, तो उसकी बजाय उस नंबर को आप 10/2 से मल्टीप्लाई कराइएगा। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 425 ले लेता हूं, अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करानी तो मैंने सीधा ये नहीं करना है 5 किसी के साथ इस तरह से गुणा कर रहा हूं, मैंने क्या करना 425 के आगे एक जीरो लगा के फर्द नहीं सी 2 से क्या कर देना, हाफ कर देना है, 2 × 4 = 2, 1 और फिर से इसके ऊपर कितने पे जाएगा 2 पे और 5 पे जाएगा। इस तरह से आपने फट नहीं सी फटाफट क्या कर देनी है, कैलकुलेशन कर देनी है, यही उसका आंसर आएगा। 425 को आप 5 से गुणा करके देख लो, 425 था उसका आगे एक जीरो लगा के 2 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो ये आप प्रैक्टिस करना है, 66 × 5 की अगर मैं गुणा कराऊंगा तो 66 का आगे एक जीरो लगा के 2 से डिवाइड करा दूंगा, 2 इसके ऊपर कट कर दिया, 2 इस पे कट करके कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। इस तरह से अगर मैं 5 की फिर से गुणा कराऊंगा तो 829 के आगे एक जीरो लगा दूंगा और 2 से क्या कर दूंगा डिवाइड, 2 इस पे कट कर देगा 4 और 1 4 और 5, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। इसी तरह से अगर मैंने इसकी गुणा करानी है तो एक काम करता हूं सीधी सी, और कितनी है 18736 है, एक जीरो लगा दी और 2 से क्या कर देता हूं डिवाइड, 2 के ऊपर इसको कट करूंगा 9 और ये इसके ऊपर जाएगा 3 और इस पे जाएगा 6 और इस पे आठ जाएगा 0 और ये 0 ये लेफ्ट रह जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कैलकुलेशन करनी आई होगी। तो ये देखिए मैं किस तरह 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर दिया, अगर आप वैसे ही करते तो आप 10 सेकंड लेते। इस तरह से अगर आप 5-5 सेकंड बेसिक कैलकुलेशन के अंदर आप बचा लेते हो तो वो आपकी 1-2 मिनट बनती है जो आपको अच्छे नंबर लीड करने में आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं अगर आपने किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, अगर आपने 25 से मल्टीप्लाई करानी है, अगर कोई भी नंबर है अगर आपने 25 से मल्टीप्लाई करानी है तो 25 से मल्टीप्लाई कराने की बजाय उस नंबर के आगे 2 जीरो लगा देना, यानी 100 से मल्टीप्लाई करा देना, 4 से डिवाइड करा देना, क्योंकि 100/4 हमेशा किसके इक्वल होता है 25 के ही बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं, जिस तरह ये 465 है, अगर 465 को आपने 25 से गुणा करानी है, 465 को आपने 25 से गुणा करानी है तो मैं एक काम करता हूं 465 के आगे 2 जीरो क्या कर देता हूं लगा देता हूं और 4 से डिवाइड करा देता हूं। देखिए 4 से इसको डिवाइड कराऊंगा, 4 × 1 = 4 और 4 × 1 और इस पे जाएगा 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20 आ जाएगा, यानी 11625। चाहे आप कैलकुलेट करके देख लो आंसर वही आएगा। मैंने इसको सोल्व करने में चाहे आप नीचे देख लेते 5 ही सेकंड लिए और आप इसको सोल्व करोगे तो आई होप 10 सेकंड तो जरूर लोगे। इस तरह से आप 5-5 सेकंड आपने बचानी एग्जाम के अंदर। फिर से आपने 25 से गुणा करानी तो आपने क्या करना, जस्ट उस नंबर के आगे 2 जीरो लगानी है। क्या करना है, 2 जीरो लगानी है। 2 जीरो क्यों लगा रहा, क्योंकि मैं 100 से मल्टीप्लाई करा के 4 से डिवाइड कराऊंगा और नीचे किससे डिवाइड करा दूंगा 4 से, 4 इस पे कट कर दिया, 4 × 16 फिर 0 आएगा, 4 × 8 = 32, 4 × 5 = 20, 0 ये इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। सही कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा यही आंसर आएगा। कि नीचे फिर से मैं अगर 25 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो एक काम करता हूं इस नंबर के आगे कितने जीरो लगा देता हूं, 2 जीरो लगा देता हूं, तो 8 7 4 6 4 2 जीरो लगा के क्या कर दो 4 से डिवाइड करा दो, वो उसका राइट आंसर आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपके दिमाग में एक जो है आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम क्या प्रोवाइड कराते हैं कि आप अपने एग्जाम को बहुत इजिली से क्रैक कर सकते हैं। गारंटी के साथ हम आपकी गारंटी लेंगे पेपर क्लियर करवाने की। व्हाट वी प्रोवाइड, हम हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं 2 दिन के अंदर आपके घर के ऊपर डिलीवरी करवा देंगे, और जिसके अंदर आपको डेली ऑनलाइन क्लासेज भी आपको फ्री में मिलेंगी और साथ में आपको डेली टेस्ट सीरीज मिलेगी। हर 2 दिन के बाद हरियाणा पुलिस और सब इंस्पेक्टर की जो टेस्ट सीरीज हम लेके चलेंगे, जब तक आपका पेपर नहीं होता है कम से कम भी 30-32 हम प्रैक्टिस सेट आपको सोल्व करवा देंगे। 24 आवर्स आप कोई भी किसी भी जो भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट के आप सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप पे हमारी टीम आपका सॉल्यूशन निकालेगी। तो कॉन्टैक्ट करिएगा हमारे इस नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर के ऊपर, जो भी आपने डिटेल पूछनी, जो भी आपके मन में शंका है, और आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइएगा आज ही से। और ये 7-8 दिन फीस बिल्कुल ना के बराबर हमारी फीस है नोट्सों की, सिर्फ जो हैंड रिटन नोट्स है, जो कागज की कॉस्ट आती है और डिलीवरी कॉस्ट आती है वही आपसे ले रहे हैं। और जल्दी से जल्दी इसके अंदर एडमिशन लें और हमारी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का और टेस्ट सीरीज का भरपूर फायदा उठाएं। और साथ में हम पेनड्राइव कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे, उसकी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। देखिए ये कुछ मैंने सैंपल पेपर यहाँ सैंपल जो नोट्स डाल रखे हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं, मैथ के हैं। आपने कहीं से कोचिंग लेने की जरूरत ही नहीं है, नोट्स इस तरह से बना रखे हैं कि उनकी जब आप स्टडी करोगे ना आपको ऐसा लगे जैसे टीचर आपको पढ़ा ही रहा है, बिल्कुल लाइव फॉर्म में नोट्स बना रखे हैं। जिस तरह ये एक वो है सैंपल पेज, और ये आप देख सकते हैं जैसे हरियाणा जीके से हैं
तो इस तरह से आपको जो है बहुत बढ़िया हम टिप टॉप का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा के चलेंगे। और सेकंड जो है रिमाइंडर ये कि हम पेनड्राइव कोर्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। पेनड्राइव कोर्स के अंदर हमारे वीडियो लेक्चर होते हैं, अलग अलग टीचर के होते हैं, मैथ के भी आपको अल्टरनेट मिलेंगे, मैं भी पढ़ाता हुआ मिलूंगा, मेरी टीम का दूसरा बंदा भी आपको वहां पर पढ़ाता हुआ मिलेगा। जो से टीचर का आपको बेस्ट लगता है वो आप वीडियो देखिएगा और भरपूर फायदा उठाइएगा और अपना एग्जाम क्लियर कीजिएगा। 100% गारंटी है, जस्ट आप हमारे कोर्स को फॉलो करिएगा। तो आइए, हमने दो रूल पढ़ लिए हैं, 5 का पढ़ लिया है, 25 का पढ़ लिया। अगर कभी भी किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कराने हो तो उस नंबर के आगे जस्ट एक जीरो लगाइएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई कराना है, जस्ट 2 जीरो लगाइएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब नंबर 3 आता है, अगर किसी भी नंबर को आपने 125 से, नंबर कोई भी हो सकता है माई डियर फ्रेंड, ये एक्स वाई जेड कोई भी नंबर, 30, 32, 40, 45, 65, 120, 140 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 166, 67, 68 एक्स वाई जेड कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उस नंबर को आपने 125 से मल्टीप्लाई कराना तो आपने क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करा के 8 से डिवाइड करा देना, क्योंकि 1000 बटे में 8 हमेशा 125 के बराबर ही होता है। जैसे मैं आपको कैलकुलेट करा के करके दिखाता हूं, एक क्वेश्चन क्या है कि 4683 को अगर आपने 125 से गुणा कराना, तो मैंने क्या बताया, 3 जीरो लगा दीजिएगा, ये 3 जीरो लगा दी और 8 से डिवाइड करा देता हूं, 8 से डिवाइड कराऊंगा तो आपको पता है कि 8 × 5 = 40 होता है, 6 यहां पर चला जाएगा और यहां पर 6 जाने के बाद 8 × 2 = 64 होता है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4, फिर से 5 और फिर से 3 पे जाएगा, और 8 × 3 = 24, 3 और 24 जाने के बाद कितना लेफ्ट रह जाएगा, 6 आ जाएगा, और 7 × 56, 4 × 5, इस तरह से क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। आजी आप करके देख लो ये मैंने कितनी देर में, अगर मेरे को मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी और भी फटाफट डिवाइड करनी फास्ट होती तो आप जस्ट 5 सेकंड लेते माय डियर फ्रेंड। यही स्मार्ट वर्किंग इंपॉर्टेंट है आज के किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर। हार्ड वर्किंग करते रहो, पढ़ते रहो, कितनी जीके पढ़ोगे, ठीक है। एक आपको मैं पार्टिकुलर चीज बता दूं, भाई ये टॉपिक है, एक दायरा आपको मिल जाए सिलेबस के अंदर क्या क्या आपने पढ़ना है, तो आप इजिली से जो है एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज तो पढ़ने की कोई लिमिट तो होती नहीं है, दुनिया भर का डाटा है, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, आपको कंफ्यूज ही करेंगे। देखिएगा 125 की उसे आपने मल्टीप्लाई करानी तो क्या करोगे, 86, 43 की करानी ना, तो हमारा रूल क्या है, 3 जीरो लगा दीजिएगा, ये लगा दी मैंने 3 जीरो, 3 जीरो लगाने के बाद क्या करना है, 8 से डिवाइड कराना, तो कराता हूं 8 से डिवाइड, ये लीजिएगा 8 1 पे गया 0, 8 × 2 = 64, फिर से 0 और 8 × 3 कितना होता है 24, 6 × 7 = 56, 56 × 4 = 5, देखो कितना फास्टली मैंने आंसर निकाल दिया। और एक तुम इसी को कैलकुलेट करते रहो, ये लो भाई जो है 2-3 मिनट में तो आपसे गुणा ही होगी पेपर के अंदर, 2-3 मिनट अगर एक क्वेश्चन में वेस्ट करोगे तो बात तो नहीं बनेगी माय डियर फ्रेंड। अगली ट्रिक आती है हमारी, अगर किसी भी नंबर को आपने 625 से मल्टीप्लाई करानी है तो आपने जस्ट 4 जीरो लगानी है और 16 से डिवाइड करा देना है। इससे ऊपर की कैलकुलेशन कभी नहीं पूछता, वो हमेशा ऐसी ट्रिक पूछता है जिसकी कैलकुलेशन इजी हो, ठीक है, ये अपने आप करोगे भी, मैंने 3 आपको बता दिए, ये खुद तुमने करना है। अब अगली मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाता हूं, किसी भी नंबर को आपने 9 से मल्टीप्लाई कराना हो, 99 से मल्टीप्लाई कराना हो, 999 से मल्टीप्लाई कराना, जो ये टेक्निक में सिखा रहा हूं ना, इससे बेटर और भी जो कैलकुलेशन फास्ट करने की ट्रिक के हम आपको सारी बता के चलेंगे। हमारे जो कंटेंट है नोट्स हैं उनके अंदर सारी चीजें हमने बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन हर चीज कवर की गई है। देखिए अगर 88 को आपने 9 से गुणा करानी है, अगर आपने 88 को 9 से गुणा करानी, देखिए मैं आपको एक छोटा सा बेसिक चीज समझाना चाहूंगा, पहले आप अपनी है ना सोचने की जो है टेक्निक है वो थोड़ी सी चेंज करो, क्योंकि हमारा बचपन से एक पैटर्न बना हुआ, अभी हमने गुणा करानी थी हम डायरेक्ट बैठ जाते हैं गुणा कराने में, एक बार इससे क्या, एक बार इससे क्या, एक क्रॉस का निशान लगाया, एक और नंबर से करानी थी एक और क्रॉस लगा दिया, इस तरह से वो ट्रेडिशन मेथड था, काफी पुराना मेथड हो गया, अब स्मार्ट वर्किंग का टाइम आ गया भाई। अगर 88 को आपने 9 से गुणा करानी है, देखिएगा 88 को 9 से गुणा कराने, इसका मतलब क्या है कि 88 88 88 ये 9 बार जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो, जिससे मैं भी 2 की मैंने 5 से गुणा करानी 10 आता, तो इसका मतलब ये था 2 जो ये 5 बार ऐड हुआ है तब जाके क्या बन गया 10 बन गया, मतलब यही मतलब होता है ना किसी चीज को, भाई इतने नंबर से गुणा कराने तो उस नंबर को उतने बार ही ऐड करना होता है, तो यहां पर 88 को आप 9 बार ऐड करो, गुणा का मतलब यहां पर यही है। एक काम करता हूं मैं 88 को 10 बार ऐड कर देता, मतलब 10 से गुणा करा देता तो कितना आता 880, और एक बार वाला 88 घटा देता तो क्या आ जाता है इसका राइट आंसर, यानी 88 से रिड्यूस कर दीजिए, कम करूंगा तो 10 में से 2 और यहां पर 7 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 बच जाएगा और यहां पर 7, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा।
समझ रहे हो किस तरह से मैंने कैलकुलेशन करी है। यानी कभी भी 9 से 99 से 999 से मल्टीप्लाई करानी, 9 से करनी हो तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करा के उसी नंबर को घटा दो, अगर 99 से मल्टीप्लाई करानी हो तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करा के एक बार उस नंबर को घटा दीजिए, अगर आपने 999 से मल्टीप्लाई करानी तो 1000 से मल्टीप्लाई करा के एक बार उस नंबर को कम कर दिया। जिस तरह यहां पर 888 को 99 से गुणा करानी है ना, तो एक काम करता हूं मैं 888 को 100 से गुणा करा के एक बार 888 क्या कर दूंगा, कम कर दूं, वही आंसर आएगा। सिमिलरली अगर इस नंबर को मैंने 99 से मल्टीप्लाई करानी है तो एक काम करता हूं 3746 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करा के एक बार जो ना जो क्या नाम था 3746 इसमें से क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। घटाना तो आपको बहुत आसान है भाई, फटाफट घटा सकते हो ना। अगर मैंने इस नंबर को 999 से मल्टीप्लाई कराने थे, इस नंबर को एक काम करता हूं 674 को मैं 999 थे यानी 1000 से मल्टीप्लाई करा दी और एक बार वाला ये घटा देता हूं, क्योंकि इसको 999 बार ऐड करना था ना, मैंने पहले इसको 1000 बार ऐड कर दिया और एक बार वाला घटा दूंगा तो राइट आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर 65 को मैंने 99 से गुणा कराने, भाई कोई ये मत करने बैठ जाना पेपर के अंदर कहीं इसको आप पहले से जान लग जाओ, 65 को आगे करो 99 को पीछे, सर ने तो ये बताया था नहीं, मतलब वही आगे पीछे कुछ भी हो जाए इतना आपने पप्पू नहीं बनना है, रिक्वेस्ट है मेरी। तो आप इसको डायरेक्ट देखना है, 65 को एक बार काम करता हूं मैं 100 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, एक बार 65 वाला क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। आई होप ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये थी हमारी कुछ मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक जो हम सीख रहे थे। अब मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक नंबर 3 मैं आपको और सिखाने जा रहा हूं। ये एक ऐसी ट्रिक है जहां इसके बहुत से टीचर आपको इनके जो है याद करने बताएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में इधर गुणा कराओ इधर गुणा कराओ, मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं भाई, इतना वो कौन कौन इतने इतने रूल याद रखेंगे। जस्ट थोड़ी सी अपनी बेसिक देखो, हमारी मेंटेलिटी एबिलिटी तो बनी हुई है, हम जो ट्रेडिशनल मेथड से तो गुणा करते आ रहे हैं, बस थोड़ी सी इसके अंदर स्मार्ट वर्किंग करनी है। जिस तरह भाई कोई भी नंबर हो और किसी भी नंबर से गुणा करानी हो, समझ रहे हो, कोई भी नंबर हो उसको 12 से गुणा करानी है, 13 से करानी है, 14 से करानी है, सिमिलरली 21 से करानी है, और अगर आपने जो है 22 से करानी है, 23 से करानी है, 24 से करानी है, दैट टाइम क्या ट्रिक इसके लिए अप्लाई करोगे, तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जिस तरह भाई मैं एक नंबर ले लेता हूं, क्या नंबर ले लिया मैंने, ले लिया भाई ये 8 9, ठीक है नंबर ले लिया, या कोई और ले लेता हूं मैं 72, एक नंबर ले लिया मैंने 72 को मैंने मल्टीप्लाई करानी है, किससे मल्टीप्लाई करानी है, मैंने 11 से करानी हो, देखो 11 का रूल और बता देता हूं एक बार, मैंने पीछे कराया था 999 का 999 उसी तरह से 11 का ठीक है रूल आता है, 111 का रूल आता है। तो देखिए 11 से अगर मल्टीप्लाई करानी होती काम करता, पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करा देता भाई, क्या नाम है इसको 11 बार जोड़ना नहीं, एक बार 10 बार जोड़ दूं फिर एक बार और बेहतर जोड़ दूं, समझ रहे हो ना, तो 720 के अंदर बेहतर जोड़ दे, वही आंसर आएगा जो पहले वाला आता है। ये पिछले जैसी ट्रिक थी। अगर नंबर दूसरा हो जाए, कोई नंबर बड़ा हो जाए, आप जिस तरह नंबर लेके चलता हूं, मैं कौन सा ले लिया, मैंने ले लिया नंबर ए 54 ले लिया, ठीक है 54 को मैंने मल्टीप्लाई करानी 14 से। एक तो आपने ये तो है तो सिंपल वैसे ही कर लोगे आप इसको कैलकुलेट, लेकिन थोड़ा सा फास्टली करना हो तो क्या करता हूं, एक काम करता हूं, देखिए 54 है, 54 की और गुणा क्या करानी, मैं 14 से 14 को लिख सकता हूं 10 प्लस में 4, ठीक है आपने ना उसके पास ताकि एक जीरो अफर्द नहीं लगा इसको और कैलकुलेट कर सको। अब 54 की एक बार तो 10 के लिए गुणा करा दो, 540 हो गया, 54 की 4 के साथ गुणा, देखो एक बार इन दोनों की गुणा कराती वो थोड़ी सी बड़ी पड़ जाती, अब 54 की 4 की गुणा कराना थोड़ा सा आसान हो गया, 4 चौके 16 एक, 5 चौका 20 और 1 21 इसके अंदर जोड़ दे, वही आंसर आएगा जो ऊपर वाले का आएगा, समझ रहे हो जो चीज मैं बता रहा हूं। अगर यहां पर 15 होता तो यहां पर ये तो चीज आती, अब यहां पर कितना आ जाता, 5 5 के साथ गुणा करा देता, 5 के साथ हमारा रूल क्या था, एक जीरो लगा के 2 से डिवाइड, 540 को 2 से करेंगे, 2 2 4 और 7 14 ये कम करके कर देना है इसके अंदर, समझ रहे हो। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं किस तरह से मैं टेक्निक बता रहा हूं। जिस तरह किसी भी नंबर को अगर आपने 19 से मल्टीप्लाई करानी, कोई भी नंबर लेके चलता हूं मैं, फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया, कितना ले लेता हूं 94 को मैं 19 से मल्टीप्लाई कराता हूं, तो एक काम करता हूं 94 को मैं एक बार 20 से मल्टीप्लाई करा देता हूं भाई, 94 को आपको 19 बार जोड़ना था, मैं 20 बार जोड़ देता हूं, तो जीरो तो नुकुन लग जाएगी, 94 2 8 हो जाएगा और 9 2 18, ठीक है कितना होता है 188 आपके पास आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ 20 से मल्टीप्लाई करा दिया, एक बार 20 बार ऐड हो गया ना, एक बार वाला 94 में क्या कर दूंगा, इसमें से घटा दूंगा, तो ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैं कैलकुलेशन कर रहा था। ये टेक्निक आपने अप्लाई करनी है। अब बेसिक जो न्यूमरेसी के अंदर अगला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए
वुड मास का रूल आता है। कई बार इसके अंदर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कई जो पप्पू होते हैं वो अच्छी तरह से इसको सोल्व नहीं कर पाते, जिस तरह मैं एक उसमें बताऊंगा क्या मिस्टेक करते हैं। सर मैं तो ठीक करके आया था, कई बार मेरे पास आते हैं स्टूडेंट कि सर ये मेरा ठीक है, फिर उनसे पूछते हैं अरे भाई आपने तो वुड मास का रूल ही गलत अप्लाई कर दिया, वो बताता हूँ कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए आप पहले इसकी फुल फॉर्म समझो क्या होता है। वीसी होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम का मतलब क्या होता है भाई, जिस तरह ये कोई भी दो नंबर ये ऐड हो रहे हैं उसके ऊपर ऐसा एक डंडा लगा मिलेगा, इसको बोलते हैं वेनिकुलम। तो हमेशा पहले ये सोल्व करना है, या फिर ये दोनों नंबर घट सकते हैं तो इसको बोलते हैं वेनिकुलम। अगर ये दशमलव के बाद ये लग जाता तो इसको बोल देते थे बार, जिस तरह भाई 3.3333 तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का बार, तो तब ये बार होता है। अगर ये प्लस माइनस का साइन नहीं है और सिंगल ये डंडा ऊपर लगा तब तो ये बार का काम करता है, अदरवाइज कोई भी दो नंबर ऐड हो रहे हैं या घट रहे हैं दैट टाइम ये डंडा लगा हो, दैट टाइम ये किसका काम करता है, वेनिकुलम का। और बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर ए का मतलब होता है एडिशन यानी आपने जोड़ना होता है, एस का मतलब क्यों आकर है सब्ट्रैक्शन वगैरह आपने घटाना होगा। जिस तरह अभी एक क्वेश्चन सोल्व करता हूं मैं, 6 of 5 divide 2, ये हमारे पास स्टेटमेंट के दे दी रही इसने 6 of 5 divide 2। तो हमारा रूल क्या कहते हैं भाई, आपने डिवाइड तो यूज करना नहीं, पहले आप क्या यूज कर सोल्व करोगे, ऑफ को सोल्व करोगे। तो 6 of की जगह क्या लिखते हैं हम, गुणा लिखते हैं, और 5 divide में क्या करेंगे दो। कई लोग ना पहले ना इवन सोचेंगे कि भाई यो डिवाइड है और ये गुणा, यो गुणा भाई इस ऑफ का आया, पहला यो सोल्व करना है ना कि यो सोल्व करना है, समझ रहे हो। 5 का 30 30 बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 15 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। अगर आप इसको पहले इसको सोल्व करते दैट टाइम प्रॉब्लम होती, क्योंकि भाई ये ऑफ की जगह क्या लिखा आपने, गुणा, तो यहां तक तो आपने स्टेप सही कर लिया, इसके बाद सोचते हैं कि ये गुणा है और ये डिवाइड है, पहले डिवाइड वाला सोल्व हुआ ना भाई, पहले ओ ही ओ को तो ऑफ जो था ना, ओ फोर ऑफ उसको आप सोल्व करोगे, समझे कैसे क्या करना है। और नीचे आपने ना मेरे को ये बड़ा क्वेश्चन जो है आप सोल्व करके देखोगे, आंसर मैंने यहाँ पर राइट कर रखे हैं, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन अपने आप सोल्व करोगे, पहला आप इसको सोल्व करोगे, तो इसको सोल्व करोगे तो ये पहले सबसे पहले वेनिकुलम सोल्व होता है, फिर ये ब्रैकेट सोल्व होगी, ठीक है, फिर ये बड़े वाली ब्रैकेट सोल्व होगी, ठीक है, यहाँ जो रिजल्ट आएगा फिर ये सिस्टम सोल्व होगा। इस तरह से इसको आपने क्या करते आना है, कैलकुलेट करके लेके आना है, ठीक है। अगर इसको मैं सोल्व करूँगा तो a माइनस बी, फिर ये अंदर माइनस की जाएगा तो माइनस का a, फिर क्या हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस b हो जाएगा तो b b कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, समझ रहे हो ना। आपने अपनी कॉपी के ऊपर इसको एक बार कैलकुलेट करना है और आंसर क्या करना है, मैच कराना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है। देखिए 3/8 ऑफ का मतलब क्या आता है, गुणा, तो क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा, ठीक है, फिर गुणा में कितना है 15, डिवाइड में कितना है 5, प्लस में x, और यहां पर कितना है 5 4 9, और डिवाइड में कितना आ रहा है 9, और प्लस में कितना है 235। तो भाई पहला ना ये ऑफ वाला सोल्व करोगे, ये रिजल्ट सोल्व करोगे, 8 इसमें कट कर दे, 8 2 16, 8 1 1, इसको सोल्व करने बाद कितना आ जाए 3, और 3 2 6, और मल्टीप्लाई में कितना 15, ये डिवाइड वाला सोल्व होगा, 15 5 3, क्योंकि मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड सोल्व होता है ना, 5 3 15, तो 3 यहां पर आ जाएगा। इसी तरह से इसके ऊपर कट करोगे इसको कितना आएगा, और इजिली से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, x की वैल्यू 107 आएगी। तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप करना है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही लेके चलते हैं, इसका मैं पार्ट नंबर 2 बेसिक कैलकुलेशन का लेके आऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं कुछ और ट्रिक आपको सिखाऊंगा, कौन कौन सी ट्रिक है, किस तरह से ट्रिक है, और कैसे इनकी सारी मैं टेक्निक वहां पर बताऊंगा, कैसे आपने रूल यूज करने हैं। एक बार फिर से मैं रिमाइंडर डाल देता हूं कि हम हैंड रिटन नोट्स जो आपको 2 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी आपके घर के ऊपर, और बहुत बेटर कंटेंट है हरियाणा जीके का, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, ठीक है, और साथ में आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ भी जुड़ सकते हो, ठीक है, सेपरेट नोट्स ले सकते हो, हरियाणा जीके के मैथ के ले सकते हो, और आप हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, जो आपको ये बताएगी कि आपका लेवल कहाँ लाइज करते हैं, हम आपका टेस्ट लेंगे और तुरंत 1 घंटे बाद आपका रिजल्ट भी बताते हैं, हमारे टीचर खुद उसको एक बेटर अच्छी वे में उसको सोल्व करके आपको बता समझाते भी हैं वो टेस्ट, फिर और 24/7 आवर्स ये आपकी क्या होती है
प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप करवा सकते हैं हमारी टीम से। हर बंदा आपको ऑनलाइन मिलेगा, व्हाट्सएप कर सकते हो और कंटेंट आज ही लेके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आ गया है टाइम तैयारी करने का और आपकी बार एक सीट आप लोगों की पक्की पक्की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सैंपल है जो मैं ऑलरेडी एक बार दिखा चुका था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका वीडियो, इसका पार्ट नंबर 2 कैलकुलेशन का बनाऊं, बेसिक कैलकुलेशन का, आपने कई क्वेश्चन मैंने आखिरी में छोड़ दी, मैंने बोला कि पार्ट नंबर 2 के अंदर बनाऊंगा, मैं तभी बनाऊंगा जब इस वीडियो के ऊपर आपको इसने मैक्सिमम शेयर करना है, मैक्सिमम लाइक आने चाहिए और आपने अपनी फीडबैक देनी है क्या क्या मैं इसके अंदर चेंज कर सकता हूँ। इस तरह से अगर मैं लगातार रोज आपको एक क्लास दूँ तो आप मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, आपने कोऑपरेशन जो भाई करना पड़ेगा, ठीक है, अगर कंटिन्यू आप रखना चाहते हो, क्योंकि आप लोगों का प्रेम ही हमारा जो उत्साह बढ़ाता है और आप लोगों को हम बेटर से बेटर टेक्निक और बेटर से बेटर चीज हम प्रोवाइड करके चलेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से मैक्सिमम शेयर करें और इसके ऊपर जितने मैक्सिमम ज्यादा व्यू आएंगे मैं आप लोगों के लिए अगली वीडियो उतनी ही जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है भाई, बहुत बेटर चीज प्रोवाइड कराऊंगा डेली।